उत्तराखंडी भाई बहनियों नमस्कार, पहला प्रणाम। साल दर साल में अपना गांव गलों में जरूर जावा और अपने देवी देवताओं सनी पूजी कावा, उनकी पूजा पीठे करी कावा, क्योंकि वो भी खुदेना छन। ये स्यारा का मतलब खेत, खेत से आपके घर तक, फार्म टू प्लेट। ये ब्लॉक है ये। हेलो गए गजेंद्र राणा, आज जो है मैं इंदिरापुरम कौथिक में छो आई हूँ और जो है बहुत अच्छा लगन लगी हूँ। और तमाम जितने भी हमारा उत्तराखंड का जो है रेवा सीशन प्रवासी सन, जो भयबंध हमारा जो है दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ महाराष्ट्र तमाम क्षेत्रों में जिछन बसियाँ, उनका खातिर जो है मैं अपनी तरफ बेटी एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपना जो है बाल बच्चों सनी जो है आप लोग जो है अपनी बोली भाषा, अपनी पहाड़ी भाषा गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी जौनपुरी भाषा जो जरूर सीखा, क्योंकि ये अनुसार हमारा बच्चा इंग्लिश भी सीखने लग्या, हमारा बच्चा गढ़वाली भी सीखने लग्या, लेकिन एक अपनी मातृभाषा जो हमारी जो है जग बिटिन जो है हम लोगों की जो है जन्म हुई जो कुणों बिटिन जो है हम पली बड़ी थे जो है आज जो है यख तक पहुँचू, तो ये एक अलग भाषा था और अपना बाल बच्चों सनी ये भाषा सनी जरूर सीखा। और साल दर साल में अपना गाँव गलों में जरूर जावा और अपने देवी देवताओं सनी पूजी कावा, उनकी पूजा पीठे करी कावा, क्योंकि वो भी खुदेना छन, क्योंकि आज जो है पलायन छ होने लगे पूरा उत्तराखंड बिटिन। तो लेकिन बहुत समय बिटिन मैं छो देखने लगे क्योंकि सब लोग जो है आज जो है अपना घर की तरफ छन बढ़ने लगे, हम लोग निरंतर जो है ये उत्तराखंड की संस्कृति का खातिर जो है प्रयासों कर लगे और ये प्रयासों को एक रूप सामने आई कि आज जो है देहरादून हो चाहे बम्बई हो चाहे जो है वो दिल्ली हो चाहे वो चंडीगढ़ हो, आज लोग जो है अपनी ब्यो बराते मजी गाँव बिटिन ढोल दमो छन बुलाने लगे और अपना जो है गढ़वाली गीत कुमाऊनी गीत जौन सारे गीत छन आज लगन लगे। ये सी बड़ी बात हम लोगों के खातिर कुछ नहीं हो सकती, हम निरंतर प्रयास कर लेंगे कि कई तरीके से जो ये संस्कृति अगवाड़ी बढ़ सकूँ। इसको आलू की तरह यूज करते हैं, रात को बॉईल कर लो, अगर इसको आग में भून के भी बना सकते हैं तो और बढ़िया है, शुगर कंट्रोल करता है कैसी भी खांसी हो और शरीर को बहुत हीट करता है। सेम आलू की तरह चाट बना सकते हैं और कैसी भी खांसी हो पुरानी, अगर ये कंटिन्यू खाया जाएगा। ये ब्लॉक है, ये हमारे पहाड़ी के कल्चर में जो हमारे गढ़वाल क्षेत्र में वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये अब तो नई पीढ़ी में तो बहुत कम होती चली आ रही है, लेकिन पुरानी पीढ़ी में इसको लोग अपनी नाकों के नाक के बीच में यहाँ पे पहना करते थे ब्लॉक को, ये हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। ये स्यारा का मतलब खेत, खेत से आपके घर तक, फार्म टू प्लेट, क्योंकि सीधे किसानों से खरीद करते हैं, तो इसलिए हम आपको वही चीज़ जो किसान जो आपने गांव में कभी आपके पूर्वजों ने अग्रजों ने या आपने खाई होगी वही स्वाद आपको उन्हीं खेतों से डायरेक्ट हम आपको लेकर आ रहे हैं। अब ये मेला हुआ काफ़ी दिन के बाद तो हमें लगा कि हमारे लोगों को ये चीज़ें जिनको नहीं पता कि कहाँ मिलती हैं कैसे मिलती हैं तो उनको उपलब्ध कराई जाए और बताया जाए कि ये सारी चीज़ें कितनी पौष्टिक और गुणकारी हैं, तो दालों से लेके अचार जूसेस स्पाइसेस। हमारे पास जो है पहाड़ी ज्वेलरी है, ट्रेडिशनल ग्लोबंद है, हमारे ट्रेडिशनल ग्लोबंद है, स्पेशल जो है हमारे पास ब्लॉक है,
बुलाक जो कि बहुत कम लोग रखते हैं, बुलाक भी है हमारे पास जो रखी हुई है हमने। बुलाक के साथ साथ आगे नथों हैं, नथे हैं हमारे पास, बहुत सारे डिजाइन की नथे हैं आप देख सकते हैं, हमने बोर्ड पे लगा रखी है, बहुत सारी हमारी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। झुमके हैं हमारे पास, तो हमारा मेनली कल्चर यही है कि जो पहाड़ी कल्चर है, ट्रेडिशन है यहाँ पे, लोगों को वो सब चीज़ें आर्टिफिशियल रूप में मिल जाए, जिससे ताकि वो लोगों की पहुँच में भी रहें और वो अपने कल्चर की अपनी वेशभूषा को अपना सकें। जहाँ जो हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं, तो वो हमारे कम से कम उसके टच में रहे। मंडवे का आटा होता है पहाड़ों में, उसके बनते हैं, हेल्दी फूड होता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है इससे, और इससे कोई भी उल्टा वो नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट होगा, ये मैदे से भी अच्छा है। ना, मैं तो फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ आज। अच्छा, बहुत अच्छा है। मंडवे के बिस्किट्स हैं, इसमें आपको अलग अलग फ्लेवर मिलेगा, जैसे कि ये आपको, ये शुगर फ्री है, ठीक है, इसमें अलग, और ये है नट्स के साथ है, ये भी मंडवे का है, ये नट्स के साथ है, ये नट्स है, इसमें ब्लूबेरी भी है, ये गुड़ के साथ है, ये है मल्टीग्रेन, इसमें गुड़ है, शुगर नहीं है। ये आपको रागी के नूडल्स पास्ता मिलेंगे रागी के, और एक होता है झंगरियाल, हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में होता है, झंगरियाल के नूडल्स और पास्ता मिलेंगे। ये हम अपना खुद से बनाते हैं, हम जो रॉ मटेरियल होता है, जो आटा होता है, हम लेके आते हैं उत्तराखंड से, हमारा ऑफिस है ये मयूर फेस वन में, और हम ये बनाते हैं ग्रेटर नोएडा में। आज यहाँ हम लोग बहुत सारे कलाकार रह रहे हैं और हजारों लोग बाहर से, उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता, लोक प्रथा, देव प्रथा और हमारी खान पान, रीति रिवाज, हमारी परंपरा, हमारी तमाम तौर की सांस्कृतिक धरोहर विरासत रूपी हमारे इन कार्यक्रम को, हमारे वहाँ से पलायन कर चुके लोग, हमारे उनके बच्चे वहाँ तक हम लोग पहुँचा रहे हैं, और देश विदेश में हमारी आवाज़, हमारे उत्तराखंड संस्कृति जा रही है, और ऐसे तमाम हमारी जो उत्तराखंड से बाहर जो भी हमारी संस्थाएँ हैं, उत्तराखंड की 300-400 संस्थाएं दिल्ली NCR में, ये समय समय पर अपनी बोली भाषा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेले के सारे समितियों का, और धन्यवाद करता हूँ सभी दीदी भूलियों का, जो कि अपने संस्कृत को आसमान तक पहुँचाए हुए हैं और देश दुनिया में पहुँचा रहे हैं, और मैं भीषण हरियाला लोक गाय उत्तराखंड, और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सभी लोगों को जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, और अपनी इन्हीं संस्कृति के साथ बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम पहला। बढ़ते जाना जन जन गौ सेवा भाई लोगों सहयोग मिलनु कुण जो से कुण जा के माँ खुशबू होली ए माँ कुण जा अर्क से हम जो खुशबू कुण जा अर्क से अभी सर यू जो भी यू चीज गौ माता उत्थान कार्य होना चाहिए यू हम सम्राणी का पक पर बहुत जोर से काम चलो हमारे माँ ये बहुत बढ़िया चलो की समारोह यू गाय गोबर सुमैया गौमूत्र और कई प्रकार की सामग्री वो एक से बनी हुई दूसरो यू हमारी एक यू हमारे गारा में सितराजा फूल हुई फूल को अर्क से बना हुआ और अपूर्व
खुशबू जो खुशबू हमारे फूलों खुशबू चाहिए। ये पहुंची है, हाथ की पहुंची है, ये शुभ कार्यों में उसमें जो है हमारे उसमें हाथों में पहनी जाती है, हाथों में पहनी जाती है, तो ये हमारे उसके वेशभूषा की शोभा बढ़ाती है। गुलोबंद जो है हमारा ट्रेडिशनल गुलोबंद है, ये हमारे जो पहाड़ों में जो वेशभूषा के उसमें यूज किया जाता है, शादी ब्याह में शुभ कार्यों में इसको पहना जाता है, जो हमारी पहाड़ की औरतें हैं वो इसको पहनती है। ये जो डिजाइन है हमारा, ये ट्रेडिशनल डिजाइन है, इसमें जो टिक्की देख रहे हैं इसकी टिक्की की भी वैल्यू है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टिक्की होती है, जिसमें 2 साइड की होती है तथा बीच में 7 टिक्कियाँ होती हैं, तो ये इसकी पहचान है कि 7 टिक्की वाला या 9 टिक्की वाला ही गुलोबंद होना चाहिए, जो हमारे ट्रेडिशन के साथ है। ये कंडिया रिंगाला की बनवा रखी हैं वहाँ लोगों को रोजगार देने के लिए, पहाड़ में जो लोग काम कर रहे हैं अपना, जो हमारे पुराने लोग हैं जो पारंपरिक काम करते थे, उनके पास अगर काम नहीं है, आज प्लास्टिक ने सबका काम छीन लिया है, इसलिए हम लोगों ने इसको नया प्रोडक्ट दिया है, जो आप लोग मतलब कैसरोल वगैरह रखते हो उसके बजाय इसको रखने की ज़रूरत है, फल के लिए और सब्जियों के लिए जो भी स्टोरेज करना हो इसके अंदर करें तो ठीक रहेगा। सुमैया से सुमैया खुशबू एक अंदर और जो कुछ गाय गोबर अगर मिक्स करके सुमैया खुशबू और चंदन चेत अगर मिक्स, यूँ हमारा नए प्रोडक्ट आया थी यू, अभी ले हमें 2-3 चीज अभी लेके आवा और वे बाद हम खुला भी बेचना चाहो जन लोग उधर कोई दिक्कत हो भाई 100 रुपये नहीं लेना हमल भाई लो भाई तुम 10 रुपये ले जाओ, 10 रुपये भी हमल 10 रुपये हम भी ले आओ, हमें 11 लोगों की हमारे रोजगार से जुड़िया जो हमारे जो काम करना चाहिए 11 लोग काम करना चाहिए पर तस्वीर लैन गोरू लैन थसा तुझ थसा किर जवानों मुख चरो जवानों मुख चरो प्राण के ताज मेरी मुरली बाना माँ धुमा ये रण के ताज मेरी मुरली बाना माँ धुमा ये तू तेरे ये रंगीली बाना माँ धुमा ये तू आधु गंगा छोड़ी गे थे